नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बार हमसे ये पूछा जाता है कि क्या हमारी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है, या हमारा कैसा योग है। बहुत लोग ये पूछते हैं तो वो जान नहीं पाते, कई बार उनको सही आंसर्स नहीं मिल पाते। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कृष्ण मूर्ति पद्धति, जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूं। उससे क्या कि हम काफी हद तक एक्यूरेसी में हम ये जान सकते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा या कितना सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों, कृष्णमूर्ति पद्धति बेसिकली क्या है कि स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन से होता है। कुंडली जो है डिटेल में हम उसमें देख सकते हैं। तो जिन लोगों की भी ये क्वेरीज हैं उनको मैं समझाने जा रहा हूं कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी सिर्फ विवाह के बारे में, जिसको हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं। अरेंज मैरिज में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दूसरा घर कुटुंब का, सातवां स्पाउस का, ग्यारहवां उसके लाभ का, तो वो हमारी अरेंज मैरिज हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी कुंडली के अंदर जो फिफ्थ हाउस होता है, फिफ्थ हाउस जो है हमारे प्रेम को डिनोट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को ये एक आइडिया नहीं लग पाता कि कैसे होगा विवाह, क्यों नहीं हो रहा, यहां प्रॉब्लम है, अड़चने रुकावटें आ रही हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि जब हमारी महादशा, अंतरदशा नेगेटिव नक्षत्रास में चल रही होती है तो हमारे वो काम फलीभूत नहीं होते, और यही अगर हमारी महादशा अंतरदशा पॉजिटिव नक्षत्रास में चल रही होती है तो हमारे वो काम बन जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन से हाउसेस के कॉम्बिनेशन से आपका प्रेम विवाह हो जाता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सेकेंड हाउस कुटुंब का है, सातवां स्पाउस का और ग्यारहवां उसके लाभ का, तो जैसे ही हम दूसरे सातवें ग्यारहवें घर का संबंध पांचवें घर के साथ विद आठवें बारहवें, क्योंकि आप हमेशा अपने प्रेम को छुपा करके रखते हो तो आठवां घर उस पे होता है और बारहवां, आठवां बारहवां जो है ना चीजों को छुपाता है और हमारी बुद्धि को उस तरफ लेकर के जाता है। पांचवां घर क्योंकि हमारी बुद्धि का भी होता है, प्रेम का भी होता है, तो जब उसका संबंध दूसरे सातवें ग्यारहवें घर के साथ साथ पांचवें आठवें बारहवें घर का संबंध होता है तब हमारा प्रेम विवाह होता है। और क्योंकि 2711 है तो कुटुंब हमारा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार के झगड़े नहीं होते और परिवार की रजामंदी से हमारा प्रेम विवाह संपन्न हो जाता है। अगर यही केवल 5, 8, 12 हो और उसके साथ साथ 2711 नहीं होता तो हम ये देखते हैं कि तब हमारा प्रेम विवाह होता है। तो कई बार हमें परिवार के विरुद्ध जाकर के हमें शादी करनी पड़ती है और कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे लिए बनी रहती हैं, और फिर उसमें क्या है कि इतना बढ़िया भी हमारा विवाह नहीं चलता क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस टेंशन में रहते हैं। पर यही अगर कुटुंब को हमने साथ में ले लिया, ये हमारा स्पाउस का हमारे को लाभ हो रहा है और कुटुंब का भी लाभ हो रहा है और हमारे प्रेम का भी हमें लाभ हुआ, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा प्रेम विवाह हो जाता है और हम सुखी प्रेम विवाह को आगे व्यतीत करते हैं। ये चीज का खास ध्यान करना है। नॉर्मली ये देखा गया कि लगन लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लगन लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड कॉम्बिनेशन बनाए तब प्रेम विवाह होता है, फिफ्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड संबंध बनाए तब भी प्रेम विवाह होता है। हमारा जो प्रेम विवाह है पहले पांचवें और सातवें घर का खास तौर से इन्वॉल्व होना जरूरी है क्योंकि वो थोड़ा सा हिडन होता है, इसलिए आठवें बारहवें घर का भी संबंध बनता है। तो इस प्रकार आप स्वयं जान सकते हैं कि हमारा प्रेम विवाह कब होगा। जैसे ही जिस महादशा अंतरदशा के अंदर ये कॉम्बिनेशन स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड में आएगा तब आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।